अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पिज़्ज़ा की टॉपिंग बताएंगे, चिकन को मैरिनेशन करने की रेसिपी। सबसे पहले हम लोग चिकन लेंगे, उसको क्यूब्स में काट लेंगे और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हाफ टी स्पून हम नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ी सी हॉट चिली सॉस 1 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही सिरका ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा जूसी और टेंडर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चुटकी सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा जो होता है, और हाफ टी स्पून सूखा धनिया। बस मैरिनेशन कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। हम इसको मैरिनेशन करके इसको हम फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे। हमारा चिकन अब मैरिनेशन हो गया, अब अभी इसको हम इसको पका देंगे। टू टेबल स्पून ऑयल डालें और इसमें ये मैरिनेशन किया हुआ चिकन डाल दें। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये चिकन हमारा खुशक ना हो जाए और अच्छी तरह पक जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें, मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकाएंगे और जब तक ये इसका पानी खुशक हो जाएगा तो हमें 2 से 3 मिनट तकरीबन हमें लगेंगे इसको पकाने में। अब हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे चिकन को खुशक होने में और ये देखें ये चिकन बड़े अच्छे तरीके से खुशक हो गया है। चलिए अब हम इसको ना चूल्हे को बंद कर देते हैं और हम इसको डिश में निकाल देते हैं। ये अब हमने डिश में निकाल लिया है, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब हम आपको पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बताते हैं कि ये पिज़्ज़े की जो जो टॉपिंग के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने ये चिकन लिया, हमने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, उसको हमने रिंग की शेप में हमने शक्ल में काट ली है, 1 अदद शिमला मिर्च ली है हमने, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, थाइम, ओरिगानो, पिज़्ज़ा सॉस और डो। अब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और डो हम इधर से निकाल देंगे। इसको अच्छी तरह हम इसकी इसमें से एयर निकालेंगे, इसको इस तरह करके अब हम इसको राउंड में इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे, इसको फुल बड़ा कर देंगे जितना हमारा पैन का साइज है। और मैं आपको इसका बता दूंगी कि हमने इसकी थिकनेस कितनी रखनी है। रिकॉर्डिंग हो गई नहीं जिस हमारे, ये रखें। अब हम इसको अच्छी तरह से अपने पैन के साइज़ के मुताबिक हम इसको बेल लेंगे। अब सबसे पहले हम पैन को ग्रीस करेंगे ऑयल से अच्छी तरह, चारों तरफ से इसको अच्छी तरह हम ऑयल कर लेंगे। ये जो हम आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहे हैं ये हम लोग विदाउट ओवन है, इसको हम चूल्हे पे बनाएंगे और इसको हम इसके साइज़ का कर लेंगे। अच्छी तरह चारों तरफ से एक जैसा कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर फोक से इसके ऊपर निशान लगाएंगे यूं, ताकि इसमें जितनी भी एयर हो वो निकल जाए। पता मेरा जिस्म। अब हम पिज़्ज़े को जो ऊपर सबसे पहले टॉपिंग करेंगे वो पिज़्ज़ा सॉस है। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाने की आपको जो रेसिपी बताई हुई है वो मेरे लिंक पे जाके आप उसको सर्च करें तो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको मिल जाएगी।
हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, इसको अच्छी तरह से हम लगा देंगे। उसके बाद अक्सर लोग डाल देते हैं पहले चेडर चीज़ डालते हैं, मैं डालूँगी सबसे पहले ऑनियन के रिंग, क्योंकि ये हम बेस में डालेंगे, इसको हमने ना पकाया हुआ है ना हमने इसको सोते किया हुआ है, इसको सबसे पहले हम नीचे डालेंगे तो ये अच्छी तरह से पक भी जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे और खाने में भी मज़े के लगेंगे। ये हम ऑनियन के रिंग डाल देंगे, जितने चाहे आपको पसंद हो आप वो डाल दें। हम लोग डालेंगे चेडर चीज़, अब हम इसके ऊपर चिकन डाल देंगे। अब हम शिमला मिर्च डालेंगे, और भी स्पाइसी कर सकते हैं इसके ऊपर, आप हम रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, और जितना जिसको जो स्पाइसी पसंद हो आप उसके मुताबिक आप स्पाइसी कर लें। मुझे नॉर्मल पसंद है, मैं नॉर्मल ही बनाऊंगी। इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, इसके ऊपर हम थाइम और ओरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि ये हमारी चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। कितनी अच्छी डो बेक हो गई है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और अभी हम आपको कट करके भी दिखाते हैं। ये देखिए मैं कट करी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितनी अच्छी डो हमारी बेक हुई है और कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो आपको काट के दिखाती। ये देखें माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त हमारा चीज़ जो है पिज़्ज़ा जो है बेक हो गया, और माशाल्लाह से ये देखें। तो मेरी अगर डिश आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।